ये चतुर्भुज मंदिर के कुछ अवशेष यहाँ पर देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, पाँव बने हुए हैं भगवान के और ये मूर्ति है और काफ़ी यहाँ पे लोगों ने इसको रख दिया है, इसकी यहाँ पूजा करते हैं। लेकिन इस मंदिर के ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पुराना पेड़ है और ये देखिए ये चतुर्भुज, ये देखिए सुरंग का रास्ता था ये यहाँ से, ये पीछे का पोर्शन है चतुर्भुज महाराज का मंदिर का, ये टूट गया है अभी यहाँ पे, ये देखिए ये मंदिर का पीछे का पोर्शन। और दिलीप भाई ये मंदिर का ये पीछे का पोर्शन आगे का पोर्शन है? पीछे का पोर्शन है। ये सुरंग यहीं से जाती थी कहीं से? नीचे जमीन से गई है, चरखाई रियासत गई हुई थी। अच्छा यहाँ से? राजाओं के टाइम का ये। अच्छा ये सब डैमेज अवस्था में है, इसको GSI ASI ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और ये चतुर्भुज महाराज का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा अपने समय में। देखिए सभी लोगों ने इसी की दीवार कब्जा कर लिया, काफी बड़ा ये एरिया था, ये एरिया पूरा इधर से था, पूरा ये भी मकान भी बन गई, ये साफ पूरा एरिया था, इसी में साफ सब था ये। और ये देखिए गवर्नमेंट ने एक इसमें दिलीप साहब, ये क्या उपकेंद्र? उपकेंद्र है ये, ये एनएम उपकेंद्र है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग का, देखिए उसने भी यहाँ कब्जा कर लिया, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ उसी के प्रमिसेस में इसको बना लिया है, नहीं बनाना चाहिए था। ये एक ऐतिहासिक धरोहर की चीज़ है, इंटरनेशनल चीज़ है ये, और ये पर्यटकों के लिए रखना चाहिए था, इसको संजोग रखना चाहिए था, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का भी कब्जा है। ये देखिए उपकेंद्र मसगांव लिखा हुआ है और इस तरह का ये यहाँ पे इस मंदिर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इतना प्राचीन मंदिर देखिए, इतना भव्य बना हुआ है ये, आज ये अपनी दुर्दशा पर हो रहा है मंदिर। ग्राम मसगांव, जिला हमीरपुर, तहसील मोधा लगता है।